أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة اعراف كتشا داية وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها और जब वो कोई फहश खुली बुराई करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है और अल्लाह ने हमको इसी का हुक्म दिया है कुल ला कह दीजिए कि अल्लाह कभी बुरे काम का हुक्म नहीं देता अतम क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं कुल किस्त कह दीजिए कि मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है वाक़ी और ये कि हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और उसी को पुकारो उसी के लिए दीन को खालिश करते हुए कमाबदा कुम तून जिस तरह उसने तुमको पहले पैदा किया उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा हो गए फरी़न हदा व फ़री़ा हक मुबल एक गिरोह को उसने राह दिखाई और एक गिरोह है उस पर गुमराही साबित हो चुकी इन नखदया कोई नौलिया अमिन इन नखदुषया कोई नौलिया अमिन सबू उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना दोस्त बनाया और गुमान्य रखते हैं कि वह हिदायत पर हैं इसकी बड़ी अहम तशरी है इस्लाम से कबल मश्रिकीन बेतुल्ला का नंगा तवाफ़ करते थे और कहते थे कि हम इस हालत को इख्तियार करकेफ़ करते हैं जो उस वक्त थी उस वक्त थी जब हमें हमारी माओ ने जना था बास कहते हैं कि वो इसके तावील करते थे कि हम जो लिबास पहने होते हैं इसमें हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं इसलिए इस लिबास में तवाफ करना मुनासिब नहीं चुनान्च वो लिबास उतार कर तवाफ करते और औरतें भी नंगी तवाफ़ करती सिर्फ अपने शर्मगा पर कोई कपड़ा या चमड़े का टुकड़ा रख लेती अपने इस शर्मगा इस शर्मनाक फैल के लिए दो उज्र उन्होंने और पेश किए एक तो ये कि हमने अपने बाप दादू को इसी तरह ही करते पाया है दूसरा ये कि अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने उसकी तरद फरमाई कि ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म दे यानि तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगाते हो जो उसने नहीं कही इस आयत में उन मुखलद के लिए बड़ी जजर और तोबीक़ है जो आबा परस्ती पीर परस्ती शख्सियत परस्ती में मुबला हैं जब उन्हें भी हक़ की बात बतलाई जाती है तो उसके मुकाबले में यही उज्र पेश करते हैं कि हमारे बड़े यही करते आए हैं या हमारे इमाम और पीर और शेख का यही हुक्म है यही वो खसलत है जिसकी वजह से यहूदी यहूदियत पर नसरानी नसरानियत पर और बिदाती बिदतों पर कायम रहे और इसकी वजह से कौम को गुमराह किया इस वक्त में 2021 में सबक दे रहा हूँ रमज़ान में मुसलमानों का अक्सर तबका ऐसा है जो पीरों के पीछे चलता है चाहे पीर अच्छा हो या बुरा हो पीर ने कह दिया खत्म हो गई बात भाई अल्लाह रसूल ये कह रहा ना मेरे पीर ने कह दिया इसलिए ऐसे गंदे पीरों के पीछे न जाइए ऐसे खराब पीछे पीरों के पीछे न जाइए ये खराब पीर आप लोगों को जहन्नम में ले जाएंगे ये समझना कुरान में एक जगह नहीं कई जगह अल्लाह ने कहा है अल्लाह ताला हम सबको सही समझता फरमाए आमीन واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين